हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। तो कैसे हो आप सभी लोग? फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपको मैं ले चलता हूँ हर की पौड़ी और यहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ मैं आपको घुमाऊँगा। यहीं से मैंने केदारनाथ का लोग भी स्टार्ट किया था और यहीं से हरिद्वार का लोग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलते हैं फिर। तो अब हम सिटी के बाहर आ गए हैं। आप इस तरफ जाओगे तो देहरादून जाने को मिलेगा और इस तरफ जाओगे तो दिल्ली जाने को मिलेगा आपको। ये है देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे, तो हमें इस तरफ जाना है। फिलहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी। तो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, यहाँ तक आते हैं रिक्शा, फिर आपको आगे पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से नज़दीकी है हर की पौड़ी। यहाँ पे आपको नॉर्मल नाश्ता पानी, नींबू शरबत, जो कुछ भी करना हो वो मिल जाएगा। तो ये रहा लोकल मार्केट जहाँ आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। और आपको गंगा जल भरना हो तो यहाँ से आपको कैन वगैरह बोतल जो कुछ भी मिल जाएंगे। तो सब केसरी वाइट बैग, केसरी वाइट देख रहे हो, ये पूरी गंगा जल भरने के लिए है। तो मैंने भी लास्ट टाइम लिया था पानी जब मैं केदारकंठा ट्रैक करने गया था, तब यहाँ होकर गए थे हम हरिद्वार जनवरी 2000 यानी इसी साल हम आए थे जनवरी में। तो उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, तो उस टाइम की भी आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। इसे गऊ घाट बोला जाता है और लिखा है सिंचाई विभाग उत्तराखंड हरिद्वार। मैंने यहीं पे फ़ोटो खिंचवाई थी जब मैं लास्ट टाइम आया था। और वो रहा ऊपर मानसा देवी का टेम्पल जहाँ हम जाने वाले हैं हर की पौड़ी के बाद। तो वहाँ का भी आपको मैं ऊपर का व्यू और जो रोपवे का चार्ज होता है वो आपको मैं पूरा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। काफ़ी लोग घूमने आए हैं आज और हम भी आज निकल पड़े हैं हरिद्वार में। आप देख रहे हो गंगा रिवर में फ्लड आया है, लेकिन फिर भी लोगों ने पानी तो भरना ही है गंगा का। ऐसे गंगा का पानी गंदा हो या स्वच्छ हो, पानी तो पानी होता है गंगा का। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा करम ही है जो संग तेरे ही जाए। यहाँ पे लिखा है हर की पौड़ी जाने का रास्ता, तो हमें इस तरफ जाना है। और यहाँ पे होटल गंगा लहरी है, आप यहाँ पे रुक सकते हो और लोग गंगा में नहा भी रहे हैं। यहाँ पे आप नहा सकते हो, ये जो रेलिंग है वह उसको पार नहीं करना, लेकिन लोग फिर भी उस तरफ नहा रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मौसम थोड़ा ख़राब था तो वीडियो अच्छे से बना नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस हर की पौड़ी की और गंगा घाट की। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। काफ़ी आज भीड़ भाड़ है क्योंकि जो हरिद्वार का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है ये वही है हर की पौड़ी। तो काफ़ी लोग यहीं पर आते हैं, वहाँ पे मंदिर पे लोग कम जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आज जाएंगे मंदिर पे। तो आप देख रहे हो काफ़ी दुकानें ऐसे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो शाम को 7 बजे आरती होती है तो वहाँ का आपको लोकेशन दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे रात को पूरा माहौल अलग ही होता है, वो आपको मैं वीडियो डाल दूँगा, आप देख लेना। यही ये इलाका है जहाँ पे सब मंदिर आए हुए हैं। गंगा मंदिर भी यहाँ है, काल भैरव मंदिर यहाँ है, हनुमान बजरंगबली की मंदिर यहाँ है। तो ये सारे मंदिर है हरिद्वार के। मैंने शूज निकाल दिए हैं और यहाँ पे पानी का तालाब जैसा है कुछ, तो यहाँ हमें थोड़ा पैर धो लेना है, पैर धो के फिर आगे निकलेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ मुख्य गंगा मंदिर, ये है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर का, ये है। यही जो पॉइंट है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम फ़ोटो खिंचवाई थी, और यही जो पूरा इलाका है जहाँ पे शाम को आरती होती है रात शाम को 7 बजे। तो काफ़ी माहौल अलग ही होता है यहाँ का शाम को 7 बजे। आप भी आना यहाँ पे हरिद्वार का जो हरिद्वार का जो गंगा आरती होता है हर की पौड़ी का। तो फ्रेंड्स, जनवरी में लास्ट टाइम यहाँ आया था तब मैंने शाम की आरती भी अटेंड की थी, तो आपको भी आरती की एक झलक दिखाई देता हूँ।
होती है यहाँ की आरती जो आपने अभी देखी। आपने देख लिया होगा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है दिन का। नहीं। अब हम चलते हैं मानसा देवी मंदिर की तरफ। यहाँ जो मेन द्वार है हरकी पौड़ी का, यहाँ से आगे की तरफ हमें जाना है। तो इस तरफ जाते हैं मानसा देवी का मंदिर। आप देख ही रहे होंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे हरिद्वार में। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए। और सामने मंदिर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, तो आप यहाँ पे भी जाकर दर्शन कर सकते हो। और जो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा लोकल मार्केट है यहाँ का, जो आपको मानसा देवी टेम्पल जाते समय आपको मिलेगा रास्ते में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे जो साइकिल रिक्शा है वो आपको मिल जाएगी आसानी से, और जो एक टुक टुक रिक्शा होता है वो भी मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल। वो सामने आप टावर दिख रहे हो वहाँ पे जाना है हमें, वहाँ से हमको मानसा देवी का जो रोपवे है वहाँ से मिलेगा। तो लीजिए, मैंने बोला था इस टावर के पास, तो यहीं से जो द्वार है मानसा देवी का यहीं से ऊपर जाता है। तो चलिए आपको मैं मानसा देवी का दर्शन कराता हूँ। भीड़ भाड़ तो आप देख ही रहे होगे हर जगह, कितनी भीड़ भाड़ है। यहाँ से टिकट काउंटर है रोपवे का, तो यहाँ से हम टिकट ले लेंगे। तो रोपवे के लिए काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, लास्ट में हूँ। पता है जो लगी हुए रोपवे के लिए है, तो फिलहाल मैं लाइन में खड़ा हूँ रोपवे के लिए। मैंने आधा घंटे से वेटिंग किया, तो मैंने सोचा मैं पैदल जाता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है। तो आधे घंटे में तो चढ़कर मैं उतर जाऊँगा, तो अब मैं पैदल जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है मानसा देवी पैदल जाने का मार्ग, तो हमें इस तरफ जाना है। और स्टेयरकेस भी ज़्यादा है नहीं, शायद 1000 जैसी सीढ़ियाँ है, तो इतना तो मेरे लिए कुछ है नहीं। तो काफ़ी लोग चल रहे हैं मेरे साथ। काफ़ी स्ट्रेट है यहाँ का स्टेयरकेस भी, देख लो आप। तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं मेरे दी और जीजू को, वो मेरे पीछे आ रहे हैं जस्ट। पधारिए पधारिए। और देखो लोन हो गया, ऊपर चढ़ के पूरा मार्ग आ गया यहाँ पे। तो और ये रहा रोपवे, तो यहाँ से पूरा रोड है, और वहाँ से आगे की तरफ लेफ्ट लेना है। तो वहाँ से होकर आइए, यहाँ से इस तरफ से और इस तरफ से आगे जाना है। ये देखो रोपवे जस्ट मेरे ऊपर से जा रहे हैं। रोपवे में जाना तो था लेकिन वेटिंग लिस्ट बहुत था, इसीलिए पैदल जा रहे हैं हम अब। शुरुआत में ही स्टेयरकेस थे, और आगे की तरफ पूरा RCC रोड बना हुआ है, तो आपको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप चढ़ जाओगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ से मुझ कुछ दिखा, तो चलो शॉर्टकट चलते हैं यहाँ से भी। जहाँ जहाँ देखो शॉर्टकट ले लो शॉर्टकट। और यहाँ मैंने नीचे पढ़ा था कि बंदरों से सावधान, लेकिन जस्ट मैंने उन लोगों का वीडियो शूट किया तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लोगों को जब तक हम छेड़ते नहीं करते तब तक वो कुछ नहीं करते। तो एक हम मनुष्य ही है जो दूसरे को छेड़ते रहते हैं। तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी पसीना हो गया है, ऊपर से भाई तो शॉर्टकट पर शॉर्टकट लेता है तो पसीना होगा, नहीं तो क्या होगा। तो देखो पूरा रोड RCC का है, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है चढ़ने में, ये तो पूरा रोड है, बस थोड़ा स्लोप है तो आराम से चढ़ सकते हो, लेकिन आज थोड़ा धूप है तो पसीना हो रहा है बस। लोग शॉर्टकट आ रहे हैं, और पूरा यहाँ से स्ट्रेट है तो हमें चढ़ना है। तो पूरा लंबा वाला रोड था हमने काट लिया, तो आप देख ही रहे होगे कितना पसीना हो रहा है मुझे, लेकिन बस अब थोड़ा दूरी है तो पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में अब। तो लीजिए यहाँ का बेहतरीन व्यू, पूरा हरिद्वार यहाँ से दिख रहा है पूरा का पूरा।
वो आप सामने दिख रहे हैं वो गंगा मैया है, पूरी फैली हुई है। यहाँ से ऊपर हरि ऋषिकेश और यहाँ से नीचे हरिद्वार। आप देख ही रहे होंगे ऊपर तक स्कूटी यानी गाड़ी आती है, तो आप यहाँ से रेंट करके भी यहाँ तक आ सकते हो, क्योंकि जो पूरा रोड है वो आराम से जा सकती है गाड़ी। तो लो जी, हम पहुँचने वाले हैं अब देवी मंदिर। तो चलो हम पहुँच गए फाइनली मानसा देवी टेम्पल के पास, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाड़ियाँ स्कूटियाँ रखी हुई है, यानी ऊपर तक गाड़ी स्कूटी आती है, तो आप हरिद्वार में रेंट ले सकते हो स्कूटी और आप आराम से हरिद्वार घूम सकते हो, और पास में ही ऋषिकेश है तो आप ऋषिकेश भी आराम से घूम सकते हो बाइक लेके। ये देखिए पूरे बाइक लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये रहा मंदिर। तो हम यहाँ से जाएंगे मंदिर की तरफ, ऊपर आपको आराम से प्रसाद मिल जाएगी, जो कुछ भी लेना हो तो आपको आराम से यहाँ से पूरा मिल जाएगा। माता की सुंदरी भी लगी हुई है यहाँ पे। जो आप जो यहाँ से गेट दिख रहे हैं वो उधर तक लगा है, और मंदिर का द्वार इस तरफ है। काफी भीड़ है भाई यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे प्रवेश द्वार लिखा है। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सभी मंदिरों में नहीं होती, तो आपको मैं दर्शन करके बाद मिलता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा शॉर्ट दिखाया माता मनसा देवी का, दिखाने की आपको कोशिश की, और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। काफी भीड़ है यहाँ पे, काफी पसीना भी हो गया अंदर। अब नीचे जाते हैं। तो मैं माता मनसा देवी के दर्शन करके यहाँ नीचे आ गया, आपको भी मैंने दर्शन करवा दिया। ये लीजिए दोनों भी आ गए अभी। तो चलिए आज का लोग की एंड लाइन हमारे सिस्टर पूरी करेंगी। चलो बोलिए, चलो बोलो, चलो चलो, सभी देख रहे हैं। गाइस, हमारे सब ब्लॉग अच्छी तरह से बने हुए हैं, ब्लॉग को अच्छे से देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय माता जी। ब्लॉग का नाम भी बोल दो। प्रणव चोरिया। नहीं वो नहीं, कौन कौन से ब्लॉग निकाले हमने? हमने केदारनाथ वाले निकाले, हरिद्वार, केदारकंठा और मनाली वाले। मनाली वाले, मैसूर वाले, मसूरी वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैंने दर्शन करवा दिए माता मनसा देवी के, मैंने भी दर्शन कर लिए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना। तो इसी तरह आपको मैं वीडियो दिखाता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं, अब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय। रुको जरा, सबर करो। जब मैं वापस रूम पर जा रहा था तब मुझे ऑटो के बदले क्या मिला आप ही देख लो। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी
ऐसी जी तो चाहे जिंदगी है।